अच्छा बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, हम एनाटॉमी में पढ़ रहे थे, लास्ट टाइम हमने लोअर लिम का ओवरव्यू पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्टिब्रल कॉलम, जो कि आपकी जो बैकबोन है या स्पाइनल कार्ड जिसमें पड़ा होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। जिसकी बेस पे आप, मतलब जिस तरह आप नेक की बात करें, ठीक है, तो आप तकरीबन हर तरफ देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम लंबर रीजन की बात करें तो आप झुक के कोई चीज़ उठा सकते हो, तो ये आपकी पूरी जो मूवमेंट है ना बैक की, ठीक है, ये सारी डिपेंड कर रही होती है आपके वर्टिब्रल कॉलम पे। अब इसके पांच पार्ट हैं। सबसे पहला जो रीजन है उसे हम कहते हैं सर्वाइकल रीजन, ठीक है, जिसमें आपकी नेक आ जाती है, जिसमें सात वर्टिब्री होती हैं। C1 से स्टार्ट होती है, C2, C3, C4, C5, C6, C7 सर्वाइकल रीजन में आ जाती है। ये जो हिस्सा है सर्वाइकल रीजन, ये अल्लाह ताला ने आपको जिसके ना फ्लेक्सिबिलिटी के लिए दिया है, ताकि आप मैक्सिमम यानी कि अपनी जो, क्योंकि आपकी जो आंखें हैं वो हेड में हैं, ठीक है, उनको मैक्सिमम तौर पे आप क्या कर सको, यूज़ कर सको, ताकि आप मैक्सिमम एक व्यू ले सको, ठीक है। सर्वाइकल रीजन फ्लेक्सिबिलिटी मूवमेंट्स के लिए दिया गया है, और आपकी नेक में मुश्किल होता है। आगे हम देखें, उसके नीचे आ जाता है थोरेसिक रीजन, जो कि आपकी मेन बैक को बनाता है। इसमें 12 वर्टिब्रीज होती हैं, T1, T2 इस तरह लेके T12 तक। इसको हम डॉर्सल भी कहते हैं, क्योंकि ये बैक साइड पे होता है, तो हम इसको कोई कुछ साइंटिस्ट इसको D1 से लेके D12 तक कहते हैं, मतलब डॉर्सल साइड। आप दोनों कह सकते हो, थोरेसिक भी कह सकते हो, डॉर्सल भी कह सकते हो, लेकिन एनाटॉमिकल लैंग्वेज में हम इसको क्या कहेंगे, थोरेसिक रीजन कहेंगे। ये बेसिकली आपके जो मेन आर्गन है ना, ठीक है, आपका हार्ट और ये वगैरह, ये सारा आपके जो रिब केज में महफूज होता है, तो वो सारा का सारा किसके साथ अटैच होता है, आपके थोरेसिक रीजन के साथ अटैच होता है। आगे अगर चलें, उसके नीचे आ जाता है लंबर रीजन, ठीक है, जिसमें 5 वर्टिब्री होती हैं, L1 से लेके L5 तक, जो कि आपको क्या करता है, जिस तरह झुकने में हेल्प करता है, ठीक है, बेंड होने में हेल्प करता है, आपको चलने में, इन चीज़ों में क्या कर रहा होता है, हेल्प आउट कर रहा होता है। तो ये जो रीजन है, ये भी बड़ा फ्लेक्सिबल बनाया हुआ अल्लाह ताला ने। उसके नीचे आ जाएँ तो हम क्या मिलेगा, सैक्रम रीजन मिलेगा, जिसमें 5 वर्टिब्री होती हैं, लेकिन वो फ्यूज़ होकर एक ही बना रही होती हैं, वो फिर बोन जो है आपकी हिप बोन है उसके साथ मिला के आपका पेल्विक रीजन बना रही होती हैं, ठीक है। एंड पे आ जाए तो कॉकिक्स हैं, जो कि कितनी होती हैं, 4 होती हैं, ठीक है, वो भी फ्यूज़ होके एक ही बोन बना रही होती हैं, आपकी टेल बोन जिसे हम कहते हैं, जिस पे आप बैठ रहे होते हैं, ठीक है। ये सारा आपका एक ओवरव्यू आ जाता है किसका, वर्टिब्रल कॉलम का, ठीक है। थैंक यू।